हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट, जिसमें हमारी मेन वीडियोस एमकॉम से रिलेटेड होंगी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग के बारे में। कोई भी पर्सन अगर अपनी गुड्स को कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसे उसके लिए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर और रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। चलिए इनके बारे में अब पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शैल बी मेड बाय एनी पर्सन विदाउट एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ IEC नंबर शैल बी मेड बाय द रजिस्टर्ड या हेड ऑफिस ऑफ द एप्लीकेंट टू द रीजनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी पर्सन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बिना इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर होना चाहिए। अगर किसी को IEC नंबर चाहिए तो वो रीजनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हेड ऑफिस में इन डॉक्यूमेंट्स साथ अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विच अमंग अदर डिटेल्स इंक्लूड्स प्रोफाइल ऑफ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बैंक रिसिप्ट इन डुप्लीकेट या DD फॉर द प्रिस्क्राइब अमाउंट एस फी सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर ऑफ द एप्लीकेंट 3 copies ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट ड्यूली अटेस्टेड बाई बैंकर। If there is any non-resident interest in the applicant firm and NRI investment is with full repatriation benefits, provide full particulars and enclose photocopy of RBI approval for such investment. Declaration on applicant's letterhead about applicant's non-association with a caution listed firm. Copy of permanent account number of the income tax. There is no expiry date on IEC number, hence this number once allotted shall be valid till it is revoked. IEC number is to be filled in the bill of entry for import, shipping bill for export or in any documents prescribed by the rules. IEC number की कोई expiry date नहीं होती, इसलिए ये number एक बार allot होने के बाद valid रहता है जब तक कि exporter या importer उसे खुद revoke ना कर ले। IEC number fill किया जाता है bill of entry में import के time पे और shipping bill में export के लिए, और अगर किसी और document में need है rules के according तो उसमें। Registration cum membership certificate. Any person applying for a license, authorization, certificate or permission to import or export for any other benefit or concession under the policy is required to furnish registration cum membership certificate. RCMC is to be obtained from any one of the competent authority such as Export Promotion Council, Commodity Boards, Federation of Indian Export Organizations, Agricultural and Process Export Development Authority, Marine Products Export Development Authority and Administrative Authorities of Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Units. Export of the registered exporters having valid RCMC will only qualify for the benefits provided in the foreign trade policy. कोई भी पर्सन अगर चाहता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना या फिर उसे उस पॉलिसी में कोई अदर बेनिफिट या कंसेशन चाहिए तो उसके लिए उसे RCMC फर्निश्ड करना होता है। RCMC को किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी से ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑफ ESTP और STP यूनिट्स। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिन एक्सपोर्टर्स के पास वैलिड RCMC होगा केवल वही लोग उन बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई होंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।